हिंद दोस्तों, अग्निवीर का वैकेंसी आ चुका है। इसमें क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या योग्यता चाहिए कि आप अग्निवीर का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उस भर्ती में जाकर फिजिकल पास करने के बाद मेडिकल और रिटर्न एग्जाम लिख सकते हैं। पहला स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए ताकि आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आगे चल के आपको किसी तरह का समस्या ना हो। वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा जो डाउट होगा सारा क्लियर एक ही वीडियो में करेंगे, जितना भी एलिजिबिलिटी को लेकर है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि अग्निवीर जो है वो चार भाग में बटा हुआ है। मतलब पहले आता था जो आर्मी, उसमें पांच होता था, जीडी, कलर, टेक्निकल और ट्रेडमेंस। वो इसमें एक पहले से था वो नर्सिंग का था, उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ चार है, जीडी, ट्रेडमेंस, टेक्निकल और कलर। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे फेवरेट, सबसे ज्यादा जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं जीडी का, उसमें एज क्राइटेरिया पहले 21 हुआ करता था, अब उसको बढ़ाकर जो आंदोलन वगैरह हुआ उसको बढ़ाकर 23 कर दिया गया है। एज क्राइटेरिया उसमें 17.5 से लेकर 23 साल तक है। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, वो एज 17.5 से 23 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। ये मिनिमम लगभग सभी में वही चीज है, जीडी में भी है, ट्रेडमेंट में भी है, टेक्निकल में भी है, कलर में भी है। 17.5 से 23 साल तक, चाहे आप कलर का फॉर्म भरेंगे या टेक्निकल का या ट्रेडमेंट्स का या जीडी का, आपका एज क्राइटेरिया 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए। 23 साल से अगर आप एबव जाते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। सेकेंड जो मोस्ट वैल्यूएबल योग्यता है वो हाइट है। हाइट इसमें दो तरह का मेजर होता है, जनरल ओबीसी और एसटी का हाइट अलग माफ किया जाता है, और ये सब में ट्रेडमेंट्स, जीडी और टेक्निकल, ये तीनों में आप लोगों का हाइट अलग अलग नापा जाएगा। जनरल का अलग, जनरल ओबीसी एससी का अलग और एसटी का अलग उसका मेजर किया जाता है। बशर्ते एसटी का एलिजिबिलिटी तब चाहिए जब आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट डीसी तक बना हुआ हो। पहले इसको समझेंगे, जनरल ओबीसी एसटी का हाइट चाहिए 169 सेंटीमीटर, लगभग 170 के आसपास में आपका हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर। ये ट्रेडमेंट्स में भी है, जीडी में भी है और टेक्निकल में भी है। कलर में सबका हाइट 162 चाहिए, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो या जनरल हो, किसी भी आप कास्ट से रिलेटेड है तो आपको 162 हाइट चाहिए। सेकेंड थिंग है आप लोगों का एसटी, एसटी में अगर आपके पास डीसी तक का सर्टिफिकेट है, डीसी से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आपको 162 हाइट चाहिए। 162 जनरल ड्यूटी में भी और 162 ट्रेडमेंट्स में भी और टेक्निकल में भी 162। और कलर में सभी का जो भी है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, एससी, सभी का 162 हाइट चाहिए। थर्ड थिंग जो क्वालिफिकेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका कितना क्लास से आप जीडी भर सकते हैं, ट्रेडमेंट भर सकते हैं या टेक्निकल में क्या क्या चीज मांगता है, कितना परसेंट किस सब्जेक्ट में होना चाहिए उसको जानेंगे। जीडी में सबसे आसान चीज है कि आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड से। आपका 10th पास झारखंड बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए। टोटल जो एग्रीगेट है आपका टोटल मार्क्स, मतलब समझिए कि जितना सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपका 45% होना चाहिए टोटल सब्जेक्ट को मिलाने के बाद, और सभी सब्जेक्ट में 33% होना ही चाहिए, अनिवार्य है। सभी सब्जेक्ट में 33% और 33 मिलाकर किसी में ज्यादा किसी में कम, मगर 33 से ऊपर होना चाहिए सभी में, और टोटल मिलाकर 45% होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है जीडी का। आगे बढ़ेंगे ट्रेडमेंट्स में। ट्रेडमेंट्स में दो तरह का है, एक 8th पास और एक 10th पास। 10th पास एग्रीगेट इसमें सिर्फ 33% होना चाहिए आपका 8th पास में भी और 10th पास में भी। इसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा आए या कम आए उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल एग्रीगेट आपका 33% होना चाहिए, ये ट्रेडमेंट्स के लिए है। 8th पास भी हो अगर है तो 8th पास का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसमें टोटल एग्रीगेट 33% हो,
और टेंथ पास है उसमें अगर है तो 33% टोटल एग्रीगेट हो, उसमें आपका एक सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। थर्ड पढ़ेंगे टेक्निकल, टेक्निकल की ओर तो इसमें टेंथ प्लस टू का चाहिए और एक आईटीआई, अगर आपके पास आईटीआई, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं टेंथ प्लस टू। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चारों तीन सब्जेक्ट मिलाकर आपको सभी सब्जेक्ट में 40% मतलब इस सब्जेक्ट में फिजिक्स में भी 40, केमिस्ट्री में भी 40 और मैथ्स में भी आपका 40-40 होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट जो पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर आपका जो एग्रीगेट होगा वो 50% से ऊपर होना चाहिए। फिर से जानेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट में आपका 40-40% होना चाहिए, 40 नंबर आना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में और पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर एग्रीगेट जो बनेगा वो आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, 50% या 50% से ऊपर। थर्ड लास्ट है कलर्क, कलर्क में एज है 17.5 से 23 साल, हाइट है 162 सेंटीमीटर मतलब 162 सेंटीमीटर और लास्ट है इसका क्वालिफिकेशन एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें साइंस वाले भर सकते हैं या कॉमर्स वाले भर सकते हैं या आर्ट्स वाले, 10+2 चाहिए फर्स्ट थिंग कि 10+2 चाहिए कोई भी आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ये 10+2 किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एग्रीगेट इसमें चाहिए 60%, चाहे वो आर्ट्स का हो साइंस का हो या कॉमर्स का हो, टोटल एग्रीगेट चाहिए, टोटल नंबर को मिला के आपका 60% होना चाहिए। और सबसे मेन थिंग है इसमें इंग्लिश, सबसे मेन कि आपका इंग्लिश में 50% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में आपको 50 नंबर या 50 से ऊपर नंबर आपका होना अनिवार्य है कलर्क में। ये दो थिंग है इसमें कि 50% इंग्लिश में चाहिए और टोटल नंबर को मिलाने के बाद आपका 60% चाहिए एग्रीगेट में, ये कलर्क में। ये चारों चीज़ को आप लोगों ने समझ चुका है कि क्या क्या चीज़ चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के समय, जैसे अभी ऑनलाइन साइट खुलेगा तो उसमें आप ये सब अगर आप क्राइटेरिया पार करते हैं तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको जीडी भरना चाहिए, ट्रेडमेंट्स भरना चाहिए या टेक्निकल या कलर। अगर आपका हाइट कम है, आपका क्वालिफिकेशन इस क्राइटेरिया के अंदर में आता है तो आप कलर भर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है 10+2 या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में 40 नंबर से अधिक है और टोटल एग्रीगेट 50% से अधिक है तो टेक्निकल भर सकते हैं। अगर आप 8 या 10th पास हैं और उसमें कम नंबर है तो आप ट्रेडमेंट्स भर सकते हैं और जीडी में अगर आपका टोटल परसेंटेज 45 या 45 से ऊपर है, इस सब्जेक्ट में 33% से सबसे उससे ज़्यादा है तो आप जीडी भर सकते हैं। इसी जो क्वालिफिकेशन है इसी माध्यम से आप फिजिकल देने जाएंगे, फिजिकल में आपका इसी सब चीज़ का मापदंड होगा कैसे कैसे ये चीज़ होगा। उसके बाद कल इसी चैनल में आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है, क्या नहीं करना है या अभी से क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर देंगे कि आप लोगों को जो 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाले भर्ती है उससे आप लोगों को पहले मिल जाए, किसी तरह का भीड़ का सामना करना ना पड़े। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहेगा। अगर आप आरसी फिजिकल एकेडमी में आकर बचे हुए दिन जो 60 दिन लगभग बचा हुआ है, 5 सितंबर से भर्ती है मतलब अभी से स्टार्ट करेंगे तो लगभग 60 दिन बचा हुआ है, अगर आप 60 दिन में अपना बेस्ट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आरसी फिजिकल एकेडमी में आकर तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का भी सुविधा है, बेस्ट टेक्निक एंड स्पीड वर्कआउट के साथ में आप लोगों का भर्ती क्लियर होगा। अगर आप हमारे यहाँ आकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में दिया गया नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।